इरवावी आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा, बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी। आओ आओ सुनो कहानी। कोंध आदिवासी जंगल के बहुत निकट रहते हैं। उन्हें वहां की हर पगडंडी, साल और महुआ के विशाल वृक्षों, नेवले और शेर के पंजों के निशानों की पहचान है। नन्हे बुरली को भी ये सब सीखना है, पर क्या वो एक दिल दहलाने वाली मुलाकात के लिए तैयार है? सुनते हैं कहानी बहादुर बुरली। ओरिजिनल स्टोरी ब्रेवो बुरली बाय नबनीता देशमुख। हिंदी में अनुवाद मनीषा चौधरी। चित्रांकन रोहित भसी। प्रकाशन प्रथम बुक्स। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और साइंस आर्टिकल्स सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.books-that-speak.com। एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बरामदे में अपनी पोती के साथ बैठी हुई थी। मुझे कहानी सुनाओ ना, बूढ़ी औरत की बाह खींचते हुए छोटी लड़की ने मनुहार करी। कहानी, बूढ़ी औरत ने कहा। अच्छा, एक बहादुर नन्ही लड़की की कहानी सुनोगी? छोटी लड़की ने झट से हामी भर दी। अच्छा, दादी ने कहा और ये अनोखी कहानी शुरू की। जंगल के बहुत अंदर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बहुत अंदर छोटी झोपड़ियों का एक टोला था। इन झोपड़ियों में कोंध आदिवासियों का एक परिवार रहता था। ये लोग जंगल की सब चीजों को बहुत अच्छे से जानते थे। हर पगडंडी, हर एक विशाल साल और महुआ का वृक्ष, नेवले से लेकर के शेर के पंजों के निशान, जी हाँ, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ। बुरली मुंडी एक छोटी सी आदिवासी लड़की थी जो रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी। पास की नदी में नहाने के बाद मांड्या जौ बनाने में माँ का हाथ बटाती थी। मांड्या जौ रागी और चावल का स्वादिष्ट दलिया होता है। बुरली मुंडी अपने कटोरे को चट कर जाती थी और फिर नदी में बर्तन धोने में माँ की मदद करती थी। दिन में दरवाजे पर साकल चढ़ा के सारी औरतें पास की पहाड़ी पर चढ़ जाती थी। जंगल के पास इस पहाड़ी से वे जलावन और शाम के खाने के लिए कंदमूल और फल इकट्ठे करती थी। लंबी पगडंडी की चढ़ाई खड़ी थी, पर बुरली मुंडी बड़ी ताकतवर लड़की थी। बंदरिया से चंचल और खरगोश के जैसी फुर्तीली। इसी दौरान बुरली मुंडी के पिता और बड़े भाई गांव के अन्य नौजवानों के साथ जंगल में शिकार करने जाते थे। बाकी लोग खेत जोतने जाते थे। आपके जैसे मेरे नाक कान कब छीन देंगे और मैं कब अपने चेहरे पर काला रंग लगा सकूंगी? बुरली मुंडी ने माँ से एक दिन पूछा। वो उनके गुदनों और मोतियों से बने आभूषण देख रही थी। ओ बुरली, माँ ने लंबी सांस भरी, अभी तो बहुत समय है। तुम ये आभूषण तब पहनोगी जब तुम काफी बड़ी हो जाओगी, उससे पहले नहीं। और काली धारिया बनाने के लिए मैं तुम्हें अपना चेहरा सुइयों से बींधने नहीं दूंगी। बुरली मुंडी रूठ गई। बड़ा होना तो बहुत दूर की बात थी, पर अभी खेलने का समय था। छोटी बुरली ने इधर उधर नजर दौड़ाई। गर्मी का मौसम था, नदी नाले सूख रहे थे, पर आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे, हरे पीले नारंगी और लाल। वो छोटी सी लड़की झट एक पेड़ पर चढ़ गई और पत्तों के बीच दुबक कर बैठ गई। आया, बताओ मैं किधर हूँ, उसने अपनी माँ को पुकार लगाई। बुरली मुंडी की माँ प्रेमशीला माजी ने बेटी को ढूंढने का अभिनय किया और वापस आवाज लगाई। अरे, मुझे तो मेरी बेटी मिल नहीं रही, शायद पेड़ की प्रेतात्मा उसे उठा ले गई।
मुझे तो जानी ओझा को बुलाना पड़ेगा जिससे कि वो मुझे वापस मिल जाए। प्रेतात्माएं जो बच्चों को उठा ले जाती है और अपशकुन लाती है उनसे सभी आदिवासी डरते थे। मैं यही रही आया, बुरली मुंडी घबराकर बोली। एक आम हाथ में लिए झट पेड़ से नीचे कूदी। सभी औरतें हंस पड़ी। ओहो बुरली, जाओ थोड़े और आम तोड़ लाओ, हम तो तुम्हें यूं ही चिढ़ा रहे थे, प्रेमशीला बोली। बुरली को गुस्सा आया, वो घने जंगल की ओर भाग गई और उसने माँ से दूर रहने का निश्चय किया। आया हमेशा मुझे प्रेतात्माओं की कहानियों से डराती रहती है, भवे सिकोड़ कर बुरली बुदबुदाई। जंगल में घना अंधेरा था, चिड़ियों की चहचहाहट और बंदरों के खौकियाने की आवाजें आ रही थी। बुरली बहादुरी से अकेले आगे बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, मेरे अब्बा रोज यहाँ शिकार करने आते हैं, पर मुझे ये क्यों कहते रहते हैं कि जंगल छोटी लड़कियों के लिए खेलने की जगह नहीं है। अचानक जंगल आवाजों से भर गया, चिड़ियों की चहचहाहट और तेज हो गई, महुआ के पत्तों में से डरी हुई हवा सरसराई, गिलहरियां डर के मारे किटकिट करने लगी और बंदरों ने पुकारते हुए खुद को पेड़ों की कोटरों में छुपा लिया। क्या हुआ, बुरली ने हैरत से इधर उधर देखा। अचानक से गड़गड़ाने की आवाज हुई तो छोटी बुरली ने ऊपर देखा कि कहीं बादल तो नहीं गरज रहे। ऐसा नहीं था, क्या हो सकता है, उसने सोचा। और तभी उसे गुर्राने की आवाज आई। इस बार धोखा खाने की गुंजाइश नहीं थी, भारी आवाज थी जैसे कोई शैतान गुर्रा रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि साल के पेड़ भी कांप उठे थे। बुरली मुंडी को मानो काठ मार गया हो, उसकी टांगे सुन्न हो चली, क्योंकि उसे अब मालूम पड़ गया था कि ये तो शेर था। अब क्या करूं मैं, बुरली फुसफुसा के बोली। वो बिल्कुल अकेली थी और उसे बहुत डर लग रहा था। झाड़ियों में सरसराहट हुई और अचानक ही काली पीली धारियां पेड़ के पीछे चमकी। एक बहुत बड़ा दहकती आंखों वाला पैने दांतों वाला शेर गुर्राते हुए उसके सामने खड़ा था। उसकी मूछें हिली और उसने यूं दांत पीसे मानो कोई सिल पर चाकू पहना रहा हो। बुरली मुंडी की चीख निकलने ही वाली थी कि उसे लगा कि अब्बा की आवाज जंगल में गूंज रही है। जब शेर दिखे तो भागना कभी मत मुरली, शेर डर को भाप जाते हैं और तुम पर हमला कर देते हैं। अगर आग पास में हो तो उसको हवा में लहराओ, शेर लपटों से घबराते हैं। बुरली मुंडी हिली नहीं, बहादुर नन्ही लड़की डट के खड़ी रही जैसे कि वो एक मिट्टी में जमा साल का छोटा पेड़ हो। अचानक उसे याद आया कि जब सुबह माँ खाना बना रही थी तो माचिस की डिबिया उसने अपनी जेब में रख ली थी। उसने ऐसा क्यों किया था पता नहीं, पर अब उसे पता था, ये उसका सौभाग्य था। माचिस की डिबिया उसकी जान बचाने वाली थी। शेर ने उसकी तरफ घूर के देखा और उनकी आंखें मिली, दहकती पीली एक तरफ और स्याह काली दूसरी तरफ। बुरली टस से मस नहीं हुई, वो बहादुर लड़की थी और अपनी माँ की चहेती। बिजली की सी तेजी से उसने अपना हाथ जेब में डाल माचिस निकाली और एक तीली जलाई। शेर की नजर जरा हटी कि बुरली ने एक सूखी डाल उठाई और उसे जलाया। आग तुरंत सुलग गई जैसे किसी दैत्य की दहकती जीभ हो, और शेर डर के पीछे हटा। उसने आग को थामे नन्ही लड़की की तरफ देखा। क्या मैं इसे खाऊंगा, ऐसा लगा कि उसने ऐसा कुछ कहा, और फिर शायद उसे लगा कि उसे भूख नहीं है। शायद उसने हाल में ही एक बंदर खाया था और उसके पेट में मरोड़ उठ रहा था। इस सीकियां सी लड़की को खाके क्यों जान आफत में डाले, उसने ऐसा सोचा और अपनी पूछ फटकारी। एक बार हल्के से गुर्राया और परेशान सा पलट कर चला गया। जान बची तो लाखों पाए,
बुरली ने लंबी सांस छोड़ी और गिरते पड़ते माँ के पास पहुंची। ओ आया, मुझे अभी एक शेर मिला और उसने मुझे खाया नहीं। वो बदहवास थी। सारी औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़ी। तुम तो इतनी मीठी सी प्यारी सी हो बुरली, शेर तुम्हें क्यों नहीं खाएगा? एक ने मजाक में कहा। बुरली ने सर खुजाया। पता नहीं, वो बुदबुदाई, शायद इसलिए कि मुझे आग जलाना आता है। आग जलाना? सारी औरतें एक साथ बोल पड़ी। असंभव। पर मैंने तो जलाई थी आग। बुरली की आंखों में आंसू छलक आए और तभी उसकी माँ आगे आई। चुप, खबरदार जो मेरी बेटी का मजाक उड़ाया। वो बहुत बहादुर लड़की है और जरूर शेर को डरा के भगा सकती है। मुझे उस पर नाज है, प्रेमशीला बोली और उसने बुरली को गले लगाया। बुरली मुंडी ने माँ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। आहा, कितनी चमकीली सुंदर मुस्कान थी, जैसे गर्मी की गहरी काली रात में हजारों जुगनू जगमगा उठे हो। बुरली मुंडी अब कहाँ है? नन्ही लड़की ने दादी माँ की कहानी सुनने के बाद पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, फिर खिलखिलाई। बुरली मुंडी और कोई नहीं, तुम्हारी दादी माँ ही तो है प्यारी बिटिया, और वो तुम्हारे सामने बैठी है। नन्ही लड़की की आंखें चमक उठी। हाँ, तुम तो दुनिया की सबसे बहादुर दादी हो और मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहती हूँ। उसे अपनी दादी पर कितना गर्व था। उसने उनकी गोद में सर रखा और नींद में समा गई। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी एरवावी।